हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। एंड आज हम लोग बात करने वाले टाटा की माइक्रो एसयूवी ऑल न्यू टाटा पंच के बारे में। तो ये देख रहे हैं पंच का टॉप मॉडल क्रिएटिव, एंड ये टोटल आपको 4 वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है, जिसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं। एंड ये सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर की जाती है, कोई डीजल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। एंड काफ़ी बढ़िया आपको इसमें टोटल 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो वेरी करते हैं इसके वेरियंट्स पर। जैसे आप अगर इसका बेस वेरियंट लेते तो आपको ग्रे एंड व्हाइट कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देन यहाँ फ्रंट लुक्स देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ब्रॉड एंड मस्कुलर से प्रोवाइड किए जाते हैं। सो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर किया जाता है 87 mm का, जो ऑफ रोडिंग के लिए भी आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। सो साइड लुक्स आप यहाँ से देख सकते हैं इसके। एंड यहाँ पे बात करें अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की, तो सॉरी 5,49,000 से इसका एक्स शोरूम बेस वेरियंट स्टार्ट होता है। तो आइए फ्रेंड्स, अभी देखेंगे क्या कुछ दिया हुआ है इसके एक्सटीरियर में, फिर बात करेंगे इंटीरियर, देन चलेंगे इसके प्राइस एंड फीचर्स की तरफ। तो यहाँ पे साइड लुक्स आप इसके देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ऑटो फोल्डेबल ORVM अलॉयस इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। सो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखेंगे, इस तरह आपको स्मार्ट की देखने को मिल जाती है इसकी। पीछे टाटा की ब्रांडिंग एंड दो गीज़ आपको इसकी प्रोवाइड की जाएंगी। और सेफ्टी की बात की जाए तो टाटा पंच को ग्लोबल इन कैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी थी, अपने सेगमेंट की सेफेस्ट माइक्रो एसयूवी कार बन जाती है न्यू टाटा पंच। तो आइए फ्रंट से देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है एंड क्रोम डाइनिंग। देन यहाँ पे देखेंगे DRL डेटा रनिंग लाइट, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलते हैं, जो ऑटोमेटिक दिए जाते हैं यहाँ पे एयर कर्टेन, जिसका स्टेबिलिटी को काफ़ी बढ़िया बना देते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्निंग इसके फॉग लैम्प देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे ट्विन व्यू का ऑप्शन मिल जाता है इसके बम्पर में। बम्पर की बात करें तो पूरा ब्लैक फिनिश में दिया जाता है, ट्राइडो डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे 187 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है ऑल न्यू टाटा पंच का, जो काफ़ी बढ़िया है ऑफ रोडिंग के लिए भी। देन यहाँ पे आएंगे तो ये इसके वाइपर्स का सेटअप देखने को मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं इसके। देन इसकी ब्लैक फिनिश में रूफ पावर एंटीना, और यहीं पर देखेंगे तो आपको ब्लैक फिनिश में इसकी ये रूफ रेल्स देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी बढ़िया सी लगती है देखने में। एंड यहाँ पे जो आप इसके ये साइड लुक्स देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया आपको इस माइक्रो एसयूवी के प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड यहाँ पे इसका डायमेंशन की बात की जाए तो 3827 mm की आपको इसकी लेंथ मिल जाती है, एंड 1742 mm की विथ 1615 mm की हाइट मिल जाएगी आपको ऑल न्यू टाटा पंच की। एंड यहाँ पे अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो टाटा आपको इसमें 2 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड कराता है इस ऑल न्यू टाटा पंच के साथ। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी बड़ा स्टाइलिश आपको अलॉयस मिल जाते हैं, टाटा की ब्रांडिंग एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में जाते हैं तो आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और अपोलो के टायर्स आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर टायर साइज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 195 पब्लिक 60 आर 16 इंचज़ के आपको यहाँ पर रेडियल के टायर दिए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा क्लाइडिंग भी देखने को मिल जाएगी। देन इसके ब्लैक पियानो फिनिश में ORVM जो ऑटो फोल्डेबल होंगे, तो जैसे ही गाड़ी को आप लॉक करते हैं तो ये फोल्ड हो जाते हैं एंड अनलॉक करने पे अनफोल्ड हो जाएंगे। एंड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी देखेंगे तो आपको इसी में देखने को मिल जाती है। देन इसके ये डोर हैंडल्स, कीलेस एंट्री आपको दी जाती है, और इस तरह को देखेगा काफ़ी बढ़िया सा इसका फ्रंट डैशबोर्ड, जिसमें ब्लू इंसर्ट भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग। ये इसकी रूफ, तो ये इसके प्रॉपर साइड लुक्स। एंड यहाँ पर अगर इसके इंजन की बात की जाए तो आपको इसमें 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 86 PS की पावर, 193 Nm का टॉर्क, समथिंग 19 KMP का माइलेज मिल जाता है आपको इसके पेट्रोल इंजन के साथ। ये इसका रियर व्हील जो ड्रम ब्रेक के साथ आता है। एंड व्हील बेस की बात की जाए तो इसमें काफ़ी बढ़िया सा आपको इसका व्हील बेस देखने को मिल जाता है। सो अब देख रहे हैं इसकी प्रॉपर आप बैक लुक्स, एंड देखते हैं पीछे से कैसी दिखती है ऑल न्यू टाटा पंच। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से देखेंगे आपको इसकी बैक लुक्स देखने को मिल जाती है, बस फ्रंट से क्या है 20 लगती है एंड बैक लुक्स जब देखते हैं 19 लगती है। थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था इसको। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से आपको इसके डायमेंशन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्यूल टैंक 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। ये इसके रियर व्हील जो काफ़ी बढ़िया अलॉयस आते हैं इसमें, देन आते हैं इसके रियर में। तो उससे पहले दिखाते हैं आपको इसके रियर डोर। तो यहाँ ऊपर से ओपन होती है एंड इसकी जो चारों डोर्स हैं 90 डिग्री ओपन हो जाती है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। काफ़ी हेल्दी एंड मोटा पर्सन इजीली बैठ जाएगा इसमें, ये अंदर का सेटिंग अरेंजमेंट। एंड जो इसके सीट कवर वगैरह देख रहे हैं सब एसेसरीज के पार्ट है, आपको फैब्रिक की इसमें सीट दी जाती है। तो बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ट्रेडो डिज़ाइन में, इसकी LED टेल लैंप वगैरह देखने को मिल जाती हैं। तो ये इसके प्रॉपर बैक लुक्स, काफ़ी बढ़िया ये माइक्रो एसयूवी के इसके लुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देन आते हैं इसके सेंटर में, तो यहाँ पर देखेंगे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। देन इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऊपर आते हैं तो रियर वाइपर, देन डिफॉगर, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ब्लैक फिनिश में इसकी रूफ, देन वोकल फोर लोकल का स्टीकर। यहाँ पर देखेंगे तो ट्राई एरो डिज़ाइन में इसके LED टेल लैंप आपको प्रोवाइड की जाती है, काफ़ी बढ़िया सी। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको टाटा की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है इसके टेल लैंप में। देन यहाँ पे आते हैं तो पंच की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको ट्रायर और डिज़ाइन एंड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। देन ब्लैक फिनिश में इसका रियर बम्पर, जिसमें पार्किंग सेंसर की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है, 2 पार्किंग सेंसर आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका एग्जॉस्ट एंड सस्पेंशन का पूरा सेटअप इस तरह को देखने को मिलता है।
तो ऑल ओवर काफ़ी बढ़िया है बैक से भी ऑल न्यू टाटा पंच। तो अभी ओपन करते हैं इसके बूट गेट को, तो ऐसा कुछ दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड जब आप इसके बूट गेट को ओपन करते हैं। एंड यहाँ पे आपको स्टॉप मॉडल में पार्सल ट्रे वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। एंड काफ़ी बढ़िया 366 लीटर का आपको बूट स्पेस दिया जाता है, फोल्डेबल पार्सल ट्रे है जिसको आप हटा भी सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे बूट लैम्प और हुक भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पंचर रिपेयर किट। तो 366 लीटर का आपको बूट स्पेस दिया जाता है, या नीचे देखेंगे तो आपको स्पेयर व्हील एंड टूल किट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाती है। सो इसको क्लोज कर देते हैं, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर में, फिर बात करेंगे इसके प्राइस एंड फीचर्स की। तो यहाँ पे देखेंगे लैंप वगैरह भी दो मिल जाते हैं इसके टेलगेट में, एंड हैंडल वगैरह भी। सो ये थे इसके बैक लुक्स ऑल न्यू टाटा पंच के। एंड यहाँ पे बात करें अगर इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की, तो वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं दिया जाता है, बाकी आपको एडवेंचर, एकोम्बलिस्ट एंड क्रिएटिव वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। एंड यहीं पे अगर आप इसको आयरा जैसी कनेक्टिविटी चाहिए, तो इसके लिए आपको 30,000 अलग से पे करना पड़ेगा स्टॉप मॉडल के साथ। सो रियर डोर ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा क्या इसका सेटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लैक एंड बीच कलर आपको देखने को मिल जाता है इसकी डोर में, अंदर का कुछ ऐसा पूरा केबिन दिखता है। और यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल, डोर ओपनर, ट्विटर, नीचे आएंगे बॉटल होल्डर, एंड यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी इसकी डोर्स में। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट प्रोवाइड की गई है। तो बैठते हैं अंदर, फिर देखते हैं इसका फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह। तो काफ़ी बढ़िया फिट एंड फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी इसके फ्रंट डैशबोर्ड की, काफ़ी प्रीमियम सा लगता है, ब्लैक एंड बीच कलर आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे देखेंगे तो छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है, कॉइन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। एंड ब्लू इंसर्ट काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं इसके इस इवेंट्स के। देन यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया लेग स्पेस एंड थाई सपोर्ट दिया जाता है इसकी लेफ्ट वाली डोर, ग्रैप हैंडल एंड हुक भी मिल जाएगा उसी में। देन ये इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे पार्सल ट्रे, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है इसमें, ग्लास होल्डर्स आपको नहीं मिलेंगे, आर्मरेस्ट मिल जाता है। सो काफ़ी बढ़िया है, पीछे कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं पार्सल ट्रे पे। तो ऑल ओवर तो काफ़ी अच्छा केबिन है, एंड स्पेस भी ठीक ठाक है, रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता था इसका। सो यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे तो लाइट वगैरह भी मिल जाती है आपको, रूफ लाइट। एसी वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते बिकॉज ये छोटी कार है, आराम से पीछे तक पूरा कूल करती है। सो इसके डोर को क्लोज कर देते हैं एंड ड्राइवर साइड सीट पे, ये जो आप देख रहे हैं इसके, ये सब एसेसरीज का पार्ट है। देन इसका फ्रंट डैशबोर्ड पहले ऑफ करते हैं इसको, क्योंकि अगर आप की लेके गाड़ी के बाहर आ जाते हैं तो आपको इंडिकेटर मिलता है, टू टू की आवाज़ आएगी। देन यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। सो ये इसकी फ्रंट वाली डोर, यहाँ पे देखेंगे ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने ओआरवीएम को एडजस्ट कर सकते हैं, डोर ओपनर, ट्विटर, नीचे बॉटल होल्डर, स्पेस एंड यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट। सो ये इसका प्रॉपर फ्रंट डैशबोर्ड। फैब्रिक की सीट दी जाती है, सीट कवर वगैरह एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल, सीट रिक्लाइन दोनों आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पे फील्ड लीड ओपनर, ये इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के पैडल्स, यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट स्टॉप का बटन, फॉग लैम्प के कंट्रोल एंड ड्राइव मोड, आइडियल स्टार्ट स्टॉप के बटन्स मिल जाते हैं। तो बैठते हैं अंदर, फिर ऑन करते हैं इसके इंजन को एंड फिर बात करेंगे आगे क्या कुछ आपको दिया जाता है इसमें। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है। सो ऑन होने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखेगा इसका फ्रंट डैशबोर्ड, काफ़ी बढ़िया। आपको सेंटर कंसोल में इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड काफ़ी अच्छा सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जैसे कि एल्ट्रॉज में दिया जाता था। तो फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी आपको इसकी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया सा आपको काफ़ी सारी चेक लाइट्स एंड लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर एंड राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, 220 की टॉप स्पीड दी गई है। एंड इसमें काफ़ी यहाँ पे ड्राइव मोड भी आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो हो रहा है। एंड यहाँ से आप अपने ट्रिप वगैरह एंड एवरेज सारी डिटेल्स शो कर सकते हैं, फ्यूल गेज वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है इसमें। यहाँ से आप अपने एमआईडी को कंट्रोल कर सकते हैं इसके स्टेयरिंग से। तो यहाँ पे पूरी आपको लेदर रैप स्टेयरिंग दी जाती है इसके स्टॉप मॉडल में, काफ़ी बढ़िया ग्रिप। यहाँ पे टाटा की आपको ब्रांडिंग लोगो मिल जाता है, इधर इंफोटेनमेंट कॉल्स एंड वॉइस कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, इधर क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे आपको बढ़िया सी फिनिश एंड टिल्ड एडजस्टेबल होगी इसकी या स्टीयरिंग, इधर रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल, इधर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल। और यहाँ पे देखेंगे एसी वेंट्स के डिज़ाइन ब्लू इंसर्ट के साथ। सो ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड आता है इसके सेंटर कंसोल पे। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा आपको देखेंगे इसका 7 इंचेस का फ्लोटिंग टच इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, जो एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले सब सपोर्टेड होगा। USB ऑक्स एंड 4 स्पीकर प्लस ट्विटर का कॉम्बिनेशन मिलता है, और रिवर्स पार्किंग कैमरे की कुछ क्वालिटी इस तरह आपको मिलेगी, देख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया आपको क्लियरिटी मिल जाती है इसके रिवर्स पार्किंग कैमरे की। एंड अगर आपको आयरा जैसी कनेक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए आपको 30,000 अलग से पे करना पड़ेगा इसके स्टॉप मॉडल के साथ। एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया टच रिस्पॉन्स भी मिल जाता है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का।
एंड उसके बाद आते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखेंगे आपको हजार लाइट का स्विच देखने को मिल जाएगा, देन इवेंट्स के डिज़ाइन ब्लू इंसर्ट के साथ, यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। देन उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया जाता है, देन यूएसबी का पोर्ट, स्पेस, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, एमटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ भी आपको ब्लू इंसर्ट मिल जाते हैं इस गियर नॉब के चारों तरफ। यहाँ पे हैंड ब्रेक, देन दो ग्लास होल्डर्स, यहाँ भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट दिया जाता है, काफ़ी बढ़िया है ये। देन ये इधर इसके ट्विटर की प्लेसमेंट, इधर भी पिलर में ट्विटर, फ्रंट में आपको दो एयरबैग प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ काफ़ी बढ़िया फिनिश, यहाँ भी एक आपको एक ग्रे फिनिश मिल जाती है। देन इसका कूल्ड ग्लब बॉक्स जिसमें आपको लाइट भी मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको दिया जाता है इसमें, इसके ग्लब बॉक्स में। ये लेफ्ट वाली डोर, ऊपर देखेंगे तो ग्रैप हैंडल, देन ये सनवाइजर, वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा आपको को पैसेंजर साइड, यहाँ पे माइक, ये रीडिंग लैम्प, मैनुअली एडजस्टेबल इसका IRVM, देन यहाँ पे टिकट होल्डर दिया जाता है इसके ड्राइवर साइड में। तो ऑल ओवर काफ़ी बढ़िया इसकी फ्रंट डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है इसकी। देन पीछे केबिन की बात करें तो कुछ इस तरह दिखता है, चारों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट एंड पार्सल ट्रे सब कुछ मिल जाएगा इस टॉप मॉडल में। सो ऑल ओवर तो काफ़ी बढ़िया आपको इंटीरियर दिया जाता है ऑल न्यू टाटा पंच का। सेफ्टी भी काफ़ी बढ़िया आपको इसमें दी जाती है 5 स्टार की। एंड माइलेज की बात करें तो आपको समथिंग 19 KMP का माइलेज मिल जाता है। तो अभी चलेंगे बाहर, बात करेंगे इसके प्राइस एंड फीचर्स के बारे में। तो उससे पहले बात करें कलर ऑप्शन की, तो टोटल 7 कलर ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें ब्लू, रेड, ऑरेंज, ट्रॉपिकल मिस्ट एंड ब्राउन कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। टॉप मॉडल में आपको इसमें रूफ डिफरेंट कलर की मिलती है, सो काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे आप बैक लुक्स इसके देख सकते हैं। एंड 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, आयरा जैसी कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। सो काफ़ी बढ़िया अपने सेगमेंट की ऑल न्यू टाटा पंच। एंड यहाँ पे बात करें अगर इसके प्राइस की, जो आप इसका एक क्रिएटिव मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ये आपको 8,49,000 एक्स शोरूम एंड 9,62,000 पड़ेगा ऑन रोड लखनऊ में। एंड अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेते हैं तो आपको 10,29,000 पड़ेगा ऑन रोड लखनऊ में। सो काफ़ी बढ़िया है ऑल न्यू टाटा पंच। और अभी बात करें अगर इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो आपको इसमें ABS EVD डुअल एयरबैग, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर जैसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं इस कार के साथ। तो स्पेशल थैंक्स SRM मोटर्स जिन्होंने ये वीडियो कवर करने का मौका दिया, इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वीडियो पसंद हुई वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।